भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका हृदय से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर हमारे सातों सांसद बने हैं और देश में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसका श्रेय कम से कम जो आपके 8 लाख तेलुगु वोट थे, उन्होंने मोदी जी को और हमारे सांसदों को वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया। आंध्रा के लोग बहुत शानदार हैं, आंध्रा के लोग बहुत जीवंत हैं, आंध्रा के लोग बहुत जानदार हैं। हम आप सबका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और दिल्ली के अंदर आंध्र प्रदेश के लोगों की समस्याओं के लिए मैं बहुत लंबे वायदे तो नहीं करता, मैं झूठ कभी बोलता नहीं। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं, अभी आंध्र स्कूल जो आपका पुष्प विहार में बन रहा है, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, तमाम तरह की कंप्लेंट लोगों ने की, लेकिन मैंने वायदा किया कि आंध्र स्कूल जो पुष्प विहार में बन रहा है उसकी एक ईंट को भी कोई हिला नहीं सकता एमसीडी का वक्त, और वो आपका स्कूल आज भी बन रहा है। उसका सैंक्शन हुआ या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक आंध्र प्रदेश आपका आंध्र स्कूल जो बन रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, हम जो लोग भी आपकी समस्याओं के लिए कुछ भी कर सकते होंगे हम ईमानदारी से करेंगे। अब समय आ गया है, समय आया है कि देश के लिए अब शहीद होने का टाइम नहीं है, लेकिन देश के लिए एक गुड सिटीजन बनके, अच्छा नागरिक बनके जीने का टाइम आया है कि अपने देश को मिलकर के हम आगे बढ़ाएं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने मुझे यहां बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं पुनः आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।